हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। डीसीटी या फिर डीएसजी ट्रांसमिशंस वाली कार्स को ड्राइव करते टाइम किस किस बातों को ध्यान में रखना चाहिए, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डीसीटी या फिर जिसको VW स्कोडा DSG गियरबॉक्स बोलते हैं, उस ट्रांसमिशंस वाली कार्स को ड्राइव करना बाकी जो ऑटोमेटिक कार्स होते हैं उसको ड्राइव करने में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसे हैं जिनको हमको स्पेशल ध्यान रखना चाहिए जब हम DSG ट्रांसमिशंस वाली कार्स को ड्राइव करते हैं। उसमें से अनलोइंगली कुछ चीज़ों को हम करते हैं लेकिन और कुछ चीज़ों को हम उल्टे तरीके से करते हैं। स्कोडा और VW के जो मिड रेंज कार्स होते हैं जैसे स्लाविया, वर्टस, टाइगून, कुसक, इनमें जो गियरबॉक्स यूज होते हैं वो 7-speed DSG गियरबॉक्स है जो कि एक ड्राई क्लच वाली, तो ड्राई होने के कारण बाकी जो DSG गियरबॉक्स होते हैं उससे ज़्यादा वेयर एंड टियर इसमें होते हैं अगर हम इसको इम्प्रॉपरली ड्राइव करते हैं तो। और ये जो गियरबॉक्स है उसका खासियत ये है कि इसका माइलेज ज़्यादा रहती है और इसका जो गियर शिफ्ट वो इतना फास्ट होती है कि हमको ऑटोमेटिक कार की कम्फर्ट इससे मिल जाती है और मैनुअल कार्स की डायनामिक्स भी मिल जाती है, इसलिए ये गियरबॉक्स ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन जब गियरबॉक्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है फिर इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस गियरबॉक्स के बारे में ज़्यादा डीपली हम डिस्कशन नहीं करेंगे लेकिन ओवरऑली एक आइडिया ले लेंगे। ये जो गियरबॉक्स है वो DQ200 गियरबॉक्स है। इसमें दो क्लचेस होते हैं, रिवर्स, सेकेंड, फोर्थ और सिक्स के लिए एक क्लच होती है और फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ के लिए एक क्लच होती है। और इन दोनों क्लच को कंट्रोल करने के लिए एक ECU होती है जो कि एक कंट्रोल यूनिट जिसको मेकाट्रॉनिक्स भी बोला जाता है। वो मेकाट्रॉनिक्स के डायरेक्शन के हिसाब से क्लच और गियर ऑपरेट करते हैं। चलिए तो फिर एक एक करके स्टार्ट करते हैं। नंबर वन जो पॉइंट है वो काफ़ी लोगों को कंफ्यूज कराता है, जो ट्रैफिक सिग्नल होता है वहाँ पे अगर हम कुछ देर के लिए ब्रेक लेते हैं तो हमको ड्राइव में रखना चाहिए या फिर न्यूट्रल कर लेना चाहिए। इसका आंसर है हमको ड्राइव में ही रखना चाहिए। इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। आजकल की ऑटोमेटिक मॉडर्न कार्स में जो ECU यूनिट है वो इतना स्मार्टली डेवलप किया गया है, जब भी आप ब्रेक लेते हैं अगर आप थ्रॉटल प्रेस नहीं करते, ब्रेक को प्रेस करके रखते हैं, तभी अगर भी आपका ड्राइव पोजीशन में है आपका गियर लीवर, स्टिल आपका कार जो है वो इंटरनली न्यूट्रल में ही रहती है। इसका मतलब आपका जो क्लच है वो डिसएंगेज रहता है अगर आप थ्रॉटल प्रेस नहीं करते तो आपको क्या करना है, रेड लाइट पे अगर आप एक मिनट के लिए वेट करते हैं या फिर मैक्सिमम डेढ़ मिनट के लिए वेट भी करते हैं तो आप इट्स फाइन टू कीप इट ऑन डी मोड विथ ब्रेक पेडल प्रेस्ड, तो उससे आपका क्लॉज या फिर गियरबॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर चाहे तो यूज़र मैनुअल भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे क्लियरली मेंशनड है अगर आपको सिग्नल में रुकना है तो ड्राइव पे रख के ब्रेक प्रेस करके रखना है। अगर आप सोचते हो कि उससे इंटरनली ज़्यादा स्ट्रेस पड़ती होगी क्लॉज पे या फिर गियरबॉक्स पे, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो इंटरनली न्यूट्रल हो जाती है। और अगर आप न्यूट्रल कर लेते हो उससे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगी क्योंकि उससे अननेसेसरी गियर शिफ्ट होगी। जब भी आप किसी इंक्लाइंड सरफेस में गाड़ी रोकते हैं या फिर ब्रेक लगाते हैं हमेशा अपना पैर ब्रेक के ऊपर ही रखिए, क्योंकि मैनुअल कार में क्या होता है हम क्लॉज और एक्सेलेरेटर को बैलेंस करके कभी कभी रोक लेते हैं, ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ती है रोकने के लिए। लेकिन DSG गियरबॉक्स के केस में आपको ब्रेक को कम्प्लीटली प्रेस करके रखना है। अगर आप ब्रेक को प्रेस ना करके एक्सीलेटर को पार्शियल प्रेस करके आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या होगी, जो क्लॉज है वो कम्प्लीटली एंगेज नहीं होगी और उसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जो कि आपका ब्रेक का काम है वो आपका क्लॉज के ऊपर आएगी, उससे ज़्यादा वेयर एंड टियर होगी। तो इसलिए जब भी आप किसी इंक्लाइंड सरफेस में अपने कार को ब्रेक लगाएं तो ध्यान रखें ब्रेक को कम्प्लीटली प्रेस करके रखना है अगर आपको मूव नहीं करना है जब तक। थर्ड थिंग है जो कि इंडिया में काफ़ी लोगों को परेशानी होती है या फिर कन्फ्यूजन होता है, इस केस में क्या किया जाए, वो है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कैसे ड्राइव करें। उस केस में क्या होता है,
बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हमारे सामने कोई एक कार रहती है, जब थोड़ा सा गैप मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, ब्रेक पेडल छोड़ देते हैं और कम्प्लीटली छोड़ नहीं पाते क्योंकि इतना स्पीड हमको नहीं चाहिए, फिर एक्सीलेटर को भी कम्प्लीटली प्रेस नहीं कर पाते। इससे क्या होता है, जो क्लॉज है वो फ्लाई व्हील से तो कंटैक्ट होती है लेकिन कम्प्लीटली कंटैक्ट इसीलिए नहीं हो पाती क्योंकि हम कम्प्लीटली ब्रेक छोड़ते नहीं। और तो और फ्यूल इकोनॉमी बढ़ाने के लिए फर्स्ट गियर से सेकंड गियर को भी वेरी फ्रीक्वेंटली शिफ्ट हो जाती है, जबकि सेकंड गियर में भी कम्प्लीटली वो क्लॉज एंगेज नहीं हो पाती क्योंकि हमको दोबारा ब्रेक लगाना होता है। उस केस में आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है, पहला तो जो सामने वाली कार है जब तक वो 10 फीट या 15 फीट के डिस्टेंस नहीं आ जाती तब तक आपको गाड़ी को मूव नहीं करना है, थोड़ा डिस्टेंस जब गैप मिल जाएगी तब आपके कार को आगे लेके जाना है। दूसरा चीज़ ये है, आप जो गियर लीवर से मैनुअल में शिफ्ट कर लीजिए M1 में, और यहाँ पे जो पैडल शिफ्टर है यहाँ से मत कीजिएगा क्योंकि ये एक पैडल शिफ्टर क्या होता है, थोड़ी देर बाद अपने आप फिर डी मोड में या फिर एस मोड में वापस आ जाती है। अगर गियर लीवर से करेंगे जब तक आप इसको मैनुअली डी मोड में नहीं लाएंगे तब तक वो M1 में रहेगी, तो आपका जो फर्स्ट गियर में ही गाड़ी हमेशा रहेगी, तो अननेसेसरी क्लच आपका वेयर नहीं होगी। और जब भी आप अपनी कार को पार्क करें, इसमें जो पार्किंग मोड है उसको, उसमें एक ब्लॉकिंग मैकेनिज्म रहता है जो कि कार को मूव करने से ब्लॉक करती है, आप उसके ऊपर फुली डिपेंडेंट ना होके अपने हैंड ब्रेक का भी यूज करें। जब भी आप अपने कार को पार्क करें तो पार्किंग मोड में गियर लीवर को शिफ्ट करने के साथ साथ हैंड ब्रेक का भी ध्यान से यूज करें। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप कभी डाउन हिल या फिर ऑफ हिल जगह पे अपनी कार को पार्क करते हैं तो आपने नोटिस किए होंगे अगर आप पी मोड में रखते हैं, जब आप पी मोड से दूसरे किसी मोड पे शिफ्ट करते हैं तो आपका गियर लीवर काफ़ी हार्ड हो जाती है। वो इसलिए होता है कि जो इसका जो लॉकिंग मैकेनिज्म है उसके ऊपर लोड सारे आ जाती है। इन दैट केस आपको करना क्या है कि एक्स्ट्रा चीज़ आपको ध्यान रखनी है, गाड़ी को ऑफ हिल और डाउन हिल के केस में मैं बता रहा हूँ, आपको ब्रेक पेडल प्रेस करने के बाद आपको न्यूट्रल में लाके हैंड ब्रेक यूज करना है, फिर ब्रेक पेडल छोड़ देना है। अब क्या होगा कि आपके कार की जो कंप्लीट लोड वो हैंड ब्रेक या फिर पार्किंग ब्रेक के ऊपर आ गया, उसके बाद आप सेफली न्यूट्रल से पार्किंग मोड में ले जा सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, आप नोटिस किए होंगे कभी कभी पार्किंग ब्रेक लगाने के बाद भी कार थोड़ी आगे या पीछे चली जाती है, वो उतना मूवमेंट में वो जो लोड है वो गियर लीवर में जो लॉकिंग मैकेनिज्म में उसके ऊपर आ जाती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप ऑफ हिल और डाउन हिल के केस में पार्किंग लीवर का यूज पहले कीजिए, उसके बाद पार्किंग मोड में ले जाइए। और DSG ट्रांसमिशंस वाली कार को ड्राइव करते टाइम कभी भी एक्सीलेटर पेडल को जोर से प्रेस करके डाउन शिफ्ट या फिर ब्रेक को प्रेस करके ऑफ शिफ्ट मत कीजिए। इससे क्या होता है वो बताने से पहले थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि जो DSG गियरबॉक्स की जो मेकाट्रॉनिक्स होती है वो आपका ड्राइविंग पैटर्न को कंटिन्यूसली लॉक करता रहता है, इससे आपका जो ड्राइविंग स्टाइल है उसको भी वो रिकॉर्ड करके रखता है। अगर आप एक्सीलेटर प्रेस करके डाउन शिफ्ट करते हैं या फिर ब्रेक करके ऑफ शिफ्ट करते हैं तो कार का स्पीड, इंजन का स्पीड और आपका ब्रेक एक्सीलेटर का प्रेसिंग, ये तीनों के ऊपर जो डिपेंड करता है गियर शिफ्ट, वो मेकाट्रॉनिक्स के पास मिक्स सिग्नल जाती है तो वो कन्फ्यूज हो जाती है कि करना क्या है। उस केस में भी आपका गियर शिफ्ट प्रॉपर नहीं होगी जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन में इशू क्रिएट करेगी। जीरो से 60 या फिर 0 से 100 ट्राई करना सबको पसंद है, लेकिन उसके लिए हाई एंड ऑटोमेटिक कार्स में एक लॉन्च कंट्रोल करके के बटन होती है जो कि इंजन के RPM और गियर शिफ्ट को कंट्रोल करता है, सो दैट कि गियर बॉक्स या फिर ट्रांसमिशन को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जिस गियर बॉक्स की बात हम कर रहे हैं इन कार्स में कोई लॉन्च कंट्रोल की बटन नहीं होती, तो जब आप
कंटिन्यूसली ब्रेक प्रेस करके एक्सीलेटर को फुल दबा के रखते हैं तो आपका ब्रेक अपना काम करता है और क्लच भी अपना काम करता है, तो दोनों में अननेसेसरी हीटअप होती है और वेयर एंड टियर भी होती है, तो ये चीज़ आप जितना पॉसिबल अवॉइड करें। डाउनहिल ड्राइव करते टाइम पेट्रोल सेव करने के लिए कभी भी आप न्यूट्रल मोड पे ड्राइव मत कीजिए। इससे इंटरनली जो प्रॉब्लम होगी वो तो अलग बात है, और सेफ्टी पर्पज ये है कि आपकी कार के ऊपर कंट्रोल भी लूज हो जाएगी, क्योंकि आप इससे अपना इंजन ब्रेकिंग को इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाएंगे। बाकी ट्रेडिशनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से डीएसजी वाली जो ट्रांसमिशन है वो स्लिपेज कंडीशन के लिए काफ़ी सेंसिटिव है। इसका मतलब आइस हो गया या फिर मॉड हो गया, अगर आप स्टॉप पोजीशन से मैनुअल गियर में गाड़ी स्लिप कराते हैं उस केस में क्या होगा कि कंटिन्यूसली गियर शिफ्ट होती रहेगी स्लिपिंग रोकने के लिए, और कोई भी गियर स्लिपिंग रोक नहीं पाएगी, तो उस कारण क्या होगी कंटिन्यूसली क्लच की स्लिपिंग की वजह से अननेसेसरी हीट हो जाएगी। इसलिए अगर मड या फिर आइस में कार फंस जाती है इट्स बेटर कि कार को आप किसी से टाव करके ले लो, ना कि कंटिन्यूस अननेसेसरी ट्राई करो स्लिपिंग से निकलने के लिए। डीएसजी ट्रांसमिशंस वाली कार्स को यूज करके आप अननेसेसरी किसी ट्रेलर या फिर कार को टाव करना अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये गियरबॉक्स इस पर्पज के लिए है नहीं। हाँ, कभी अगर प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जितना पॉसिबल है आप उसको अवॉइड कीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काफ़ी लोगों को ये बात जान के काफ़ी हैरानी होगी कि आपको जो गाड़ी की बैटरी है वो ऑथराइज डीलर से ही रिप्लेस करना है। डीएसजी गियरबॉक्स की जो मेकाट्रॉनिक्स उसमें अगर इलेक्ट्रॉनिकली कुछ इश्यूज आ जाती है तो फिर आपकी बैटरी रिप्लेसमेंट अगर ऑथराइज सर्विस सेंटर से नहीं हुआ है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये चीज़ आप अपने डीलर से भी कंफर्म कर सकते हैं, मैं ये चीज़ कंफर्म करने के बाद ही बता रहा हूँ। और अपने कार की जो एक्सटेंडेड वारंटी वो मैक्सिमम जितना पॉसिबल है उतना मैक्सिमम ले लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो रिपेयर कॉस्ट है वो काफ़ी हाई है, जिसके कंपैरिजन में आपकी जो एक्सटेंडेड वारंटी की कॉस्ट वो काफ़ी कम है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाले आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन चूज कर लीजिए, सो दैट कि सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।